अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जो रेड कलर का बटन नीचे नज़र आ रहा है इसको प्रेस कीजिए, और साथ घंटी वाला बटन भी नज़र आ रहा होगा, आप इसको भी प्रेस कीजिए। फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। केस के साथ तो फौज का कोई ताल्लुक नहीं, ये एक लीगल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसके दौरान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत करना ये बहुत अफसोसनाक अमल है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि हम पिछले अफवाज पाकिस्तान ने पिछले दो दहाइयों में मुल्क के अंदर सबके साथ मिलके दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी है जिसको हम जीतने के करीब हैं। जब मैं कहता हूँ जीतने के करीब हैं तो हर जंग के एक हदफ होता है, और हमारा हदफ दायमी अमन है। हमने अमन तो कायम कर लिया है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। इस मौके पे अगर फौज की तवज्जो बाकी मसलों की तरफ जाएगी तो मेरी पाकिस्तानियों से अपील यह है कि हमारी तवज्जो को दाएं बाएं ना करें, ख्वाह वो सियासत है, ख्वाह वो इस किस्म के मसले हैं। हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा कि फौज पाकिस्तान इस वक्त जो काम कर रही है अपने खिलाफ बात को हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक आइन है, कानून है, और उसके खिलाफ उसके तहत एक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क जिस हालात से चल रहा है उस हालात से हम निकलें, एक तरक्की की तरफ जाएं, अमन की तरफ जाएं, हम सब मुत्तहिद होंगे तो आगे चलेंगे। तो इसमें भी अफवाज पाकिस्तान अपनी बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए चल रही हैं। इस केस से ताल्लुक के बगैर भी हमारी ये ख्वाहिश होगी कि इससे इज्तनाब किया जाए और वो कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए जिसकी हमें आइन और कानून इजाजत देता है। हम इस मुल्क की फौज हैं, इस मुल्क से हमें प्यार है, इसकी अवाम हमें प्यार करती है, अवाम ने और फौज ने मिलकर इस मुल्क में अमन कायम किया है, दुश्मन कुवतों की नज़र इस अमन को ना होने दें। जी, मैंने वो रिजवी साहब की स्टेटमेंट देखी। देखें, जब आपने खुद ही कहा कि फौज पाकिस्तान के खिलाफ भी इस धरना में बातें हुई, एक सिचुएशन बनी हुई है लैंड ऑर्डर की, उसमें डायलॉग के लिए हुकूमत की एक हुकूमत का एक वफ्द गया, और उसमें जो आईएसआई के ऑफिसर हैं वो हुकूमत के वफ्द का हिस्सा हैं, क्योंकि आईएसआई जो है वो वज़ीर आज़म का एक इंटेलिजेंस का इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट टाइम भी जब मुज़ाकरात हुए थे तो आईएसआई का जो ऑफिसर होता है वो हुकूमत का हिस्सा होते हुए वो मुज़ाकरात करते हैं। अब जब आप मुज़ाकरात करते हैं, आपने खुद ही कहा कि फौज के खिलाफ भी बातें हुई, तो मुज़ाकरात में शायद बात करते हुए ऊपर नीचे बात हो जाती है। इस किस्म के डिसीजन बहुत मुश्किल होते हैं कि आपने एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है और उसको आपने टैकल करना है। तो सबसे पहले तो फिलहाल ये हुकूमत की लेवल पे बातचीत चल रही है कि हुकूमत उनसे नेगोशिएशन करना चाहती है, की है, कैसे आगे जाएगी। उसके बाद हुकूमत के अपने टीयर्स ऑफ एप्लीकेशन है, पुलिस है, उसके बाद सिविल आर्म फोर्सेज में रेंजर्स आएगी, और फिर अफवाज पाकिस्तान को अगर तलब किया गया तो फिर आर्मी चीफ अपना मशवरा देंगे या जो भी वज़ीर आज़म का हुक्म होगा उसके मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को ठीक करने के लिए एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक लीगल प्रोसेस है उसको पूरा होने दें। दूसरा, अफवाज पाकिस्तान इस वक्त जिस काम में मसरूफ हैं उस काम से उनकी तवज्जो दाएं बाएं ना होने दें और उस स्टेज पर ना लेके जाएं जहाँ के आइन और कानून के बालादस्ती के लिए जो काम करने चाहिए वो किए जाएं। और तीसरा, डायलॉग के दौरान अगर कोई एक आधी बात ऊपर नीचे दोनों साइड से हुई है तो उनको ये देखना चाहिए कि डायलॉग का मकसद जो है वो एक बेहतर सूरत हाल की तरफ जाना है। हुकूमती वक्त के साथ इनके मुज़ाकरात अगर हों तो दोनों को एक दूसरे के साथ बात सुननी चाहिए और उस स्टेज पर ना आए कि जहाँ ये बात अफवाज पाकिस्तान के जिम्मेदारी में आ जाए, वो स्टेज नहीं आनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, इसमें किसी किस्म की शरंगेजी या इख्तलाल पसंदी नहीं होना चाहिए। जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो इस्लाम तो सिखाता ही हमें अमन है, इस्लाम तो सिखाता ही हमें दरगुजर है, इस्लाम तो सिखाता ही हमें प्यार है। तो अगर हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मानने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ जो है वो अमन का सबक दिया, तो सारी दुनिया क्या देख रही होगी। हमें कानून का हाथ भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इस्लाम की तालीमात को भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर किसी किस्म की बात को इग्नोर और बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के पास जब भी केस आएगा तो हम उसके मुताबिक उसके ऊपर फैसला करेंगे। और अब कुछ अदालती। तो दोस्तों,
इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। रुकिए दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं? जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जो रेड कलर का बटन नीचे नज़र आ रहा है इसको प्रेस कीजिए, और साथ घंटी वाला बटन भी नज़र आ रहा होगा, आप इसको भी प्रेस कीजिए।